अगर हम बात करें सादा जीवन उच्च विचार, जब भी इसे सुनती हूँ ना तो कुछ ऐसे चेहरे हैं, कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जो स्वतः ही याद आ जाते हैं, और उनमें से एक है उस्ताद बिस्मिल्ला खान, जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, भारत के महान शहनाई वादक। अगर उनके जीवन की बात करें तो इतना सादा जीवन था कि कभी भी बनारस में गंगा किनारे बैठ कर रियाज करने लगते थे, और उनके लिए संगीत कभी भी, ऋचा तुम जानती हो कि कभी भी कमाई का साधन नहीं रहा, संगीत उनके लिए केवल और केवल उनका जीवन था। इतने महान व्यक्ति, इतने महान कलाकार थे उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब। ना पूछ मेरी जात तू, ना पूछ मेरा धर्म, संगीत ही मेरा धर्म है, संगीत ही मेरा कर्म। ये जात पात धर्म के भेद से परे हूं मैं, संगीत ही मेरा सब्र है, संगीत ही मेरा मर्म। संगीत ऐसी चीज़ है, खूब जहन नशीन रखिए, ये जहाँ भी होगा सब एक हो जाएंगे और सब सोचेंगे कि भाई हम सुनते रहे, क्या बात है। सुर को साधना, सूक्ष्म को भेदना, लय की तान को मोहकता से परोसना, बात एक ऐसे शास्त्रीय संगीत के साधक की जिसने एक वायु वाद्य यंत्र की गरिमा अपने हुनर से इस कदर बढ़ा दी कि इस यंत्र का जिक्र आते ही अनायास ही उस महान हस्ती का नाम जुमा पे आता है। सादगी और उच्च विचारों वाले ये कलाकार कोई और नहीं बल्कि विश्व प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान थे। शहनाई जब बजती है, कोई भी बजाती बजाए, शादी है ना, देखिए ये एक चीज़ है, अल्लाह की तरफ से हम यही कहेंगे कि खुशी का कोई काम होगा, पूजा भी हो, शादी ब्याह भी हो, बारात भी हो, कुछ भी हो, तो शहनाई बजेगी। इक्कीस मार्च 1916 बिहार के डुमराव गांव में जन्मे उस्ताद बिस्मिल्ला खां बहुत ही कम आयु में अपने पिता के साथ वाराणसी गए और फिर ताउम्र वहीं रहे। घर परिवार का संगीत से गहरा ताल्लुक था, सो इसका असर नन्हे बिस्मिल्लाह पर तो पड़ना ही था। इनके मामा की देखरेख में इनकी संगीत की शिक्षा हुई। 1931 में इन्हें कलकत्ते में आयोजित एक बहुत बड़े समारोह में शहनाई बजाने का मौका मिला। लोगों को इनकी परफॉर्मेंस इतनी भा गई कि शहनाई और नौजवान उस्ताद सबके चहेते हुए। शहनाई में क्या होना चाहिए, ये फकीर की बात है। अब मैं थोड़ा सोचा कि भाई बात तो सही है, लेकिन अच्छा ये भी सोचा है कभी, दुनिया कहती है खान साहब क्या शहनाई बजा रहे, बिस्मिल्ला खां की शहनाई, बिस्मिल्ला खां का हाथ, बिस्मिल्ला खां की फूंक, बिस्मिल्ला खां की फूंक, बिस्मिल्ला खां का हाथ, बिस्मिल्ला खां की शहनाई, बिस्मिल्ला खां कौन है। इनकी लोकप्रियता और कला महारत होने का अनुमान इसी से ललगाया जा सकता है कि 15 अगस्त 1947 में भारत के पहले स्वतंत्रता समारोह के दौरान इनको लाल किले में शहनाई बजाने के लिए आमंत्रित किया गया। गंगा तट पर घंटों रियाज करने वाले इस महान कलाकार ने कई संगीत रचनाएं शहनाई के लिए रच डाली। ये कोई साधारण बात नहीं थी, उनकी इस गूढ़ तपस्या के कारण ही शहनाई को एक उच्च स्थान हासिल हुआ। और शहनाई दशकों तक देश विदेश में हो रहे भारतीय स्वतंत्रता समारोह और कार्यक्रमों के दौरान एक अभिन्न हिस्सा थी। इसका श्रेय भी कहीं न कहीं इन्हीं को जाता है।
उस्ताद जी को गंगा और बनारस से बेहद लगाव था, इतना कि इन्होंने विदेशों में बसने के ऑफर भी ठुकरा दिए। हालांकि इन्होंने कई देशों में महत्वपूर्ण समारोह में अपनी शहनाई का जादू समय समय पर बिखेरा। खान साहब कुछ गिनी चुनी फिल्मों से भी जुड़े, जिनमें उल्लेखनीय है गूंज उठी शहनाई, सत्यजीत रे की जलसागर और कन्नड़ की सन्नादी अपन्ना। उनकी संगीत साधना के प्रशंसक जनता तो थी ही, पर बड़े बड़े संगीतज्ञ भी उनकी कला से बेहद प्रभावित हुए। बरसे बदरिया सावन की हो, बरसे बदरिया, ये इसे लगा के चले, बड़े खुश हुए सब। तो आखिर में करीब डेढ़ दो घंटा ऐसे ही रहा। हमका यार रखो, हमका भैया अब हम जा रहे हैं, दो बज गया रात का, दिन का हम चले। दूसरे हमका भाई राव साहब रिकॉर्ड उकार्ड कब शुरू करेंगे, तो जब गए दिन खान साहब रिकॉर्ड हो गया। उस्ताद बिस्मिल्ला खां को कई अनगिनत और उच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न भी शामिल है। पर संगीत के संत को सिर्फ रुचि थी सुर साधने में। आठ दशकों के लगभग संगीत की सेवा करने वाले इस शहनाई सम्राट ने 21 अगस्त 2006 को इस जहां को अलविदा कहा। पर उनकी छाप, इनकी देन, इनकी साधना ऐसी कि आज भी कहीं गूंज उठती है शहनाई तो याद इन्हीं की आती है, और मन कहता है शहनाई की खालिस शास्त्रीय मिठास उस्ताद बिस्मिल्ला खान। अब रात सबसे इजाजत लेना शुरू करूं